बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत इटावा में अपेक्स हॉस्पिटल जच्चा बच्चा केंद्र का उद्घाटन हुआ। कांग्रेसी नेता डॉक्टर नादिर सलाम ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अब गोरखपुर, लखनऊ, बलरामपुर, बस्ती नहीं जाना पड़ेगा। सभी सुविधाएं इटावा में ही रहेंगी, जहां गरीबों को हर सुविधाएं मिल सकेंगी। विराट 24 न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से नियामतुल्ला की रिपोर्ट। पहले तो अपेक्स हॉस्पिटल जिम्मेदार है तारिक साहब, लुकमान साहब, मैं इनको तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि नगर पंचायत इटावा में इन्होंने एक हब हॉस्पिटल का सेटअप डाला है और हॉस्पिटल के उद्देश्यों, जैसे इनसे हमारी बात हुई कि यहाँ पर बेहतर से बेहतर सुविधा, जैसे लोगों को इमरजेंसी में लखनऊ, गोरखपुर और बस्ती भागना पड़ रहा था, तो इन्होंने अच्छे डॉक्टरों को जो है हॉस्पिटल से जोड़ा है और भविष्य में इनकी प्लानिंग है कि यहाँ पर ये बेहतर आईसीयू दे सके, जिससे कोई भी अगर कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसको तुरंत कंट्रोल में लाया जा सके।